हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, जो कि सभी यूट्यूबर के लिए ये जो है लाभदायक है, जो कि ये मेरे साथ हुआ है। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया। जो गलती मैंने की है वो गलती आप लोग ना करें, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो अगर इसके पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा। तो आज मैं जो बताने जा रही हूँ वो सभी यूट्यूबर के लिए बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि देखिए मैंने तो गलती की ही, ये गलती आप लोग ना करें, इस वजह से ये वीडियो मैं मुझे बनाना पड़ा। आज मैं एक वीडियो अपलोड कर रही थी छोटे बच्चे का, लगभग 3 साल का था, वो मेरा भांजा था। तो उसमें कुछ ज़्यादा कुछ मतलब वीडियो में नहीं था, बस वो कपड़ा धुल रहा था, अपना कपड़ा धुल रहा था। मैं ऐसे वीडियो बना ली थी, बहुत दिन हुआ वीडियो बनाए हुए, तो वो वीडियो मेरी गैलरी में था। तो मैं सोची वीडियो को अपलोड कर दूँ, तो उसमें वो कपड़ा धुल रहा था और खुद नहा रहा था, अपने हाथों से नहा रहा था और कुछ मतलब बोल भी रहा था और नहाया जा रहा था, और साबुन लगाया, साबुन पकड़ रहा था साबुन को, साबुन फिसल जा रहा था उसके हाथ से, और मतलब वही था। और अपना कपड़ा नहाने के बाद अपना कपड़ा वो अपने हाथ से साबुन लगा लगा के खूब अच्छे तरीके से साफ कर रहा था, और ज़्यादा कुछ वीडियो में था नहीं, बस यही मैं मतलब 5-6 मिनट का वो मतलब नहाया और अपना खुद का कपड़ा धुला, वही मैंने वीडियो शूट की थी। तो 5 मिनट का वो वीडियो था, जो कि वो वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अभी अभी अपलोड कर दी थी। तो अपलोड तो बहुत देर में हुआ, लगभग 5-6 घंटे लग गए, क्योंकि नेटवर्क बहुत इशू रहता है ना, यहाँ पे नेटवर्क सही से नहीं आता है, तो लगभग एक वीडियो हमारा 5-6 घंटे लग जाता है। और मैंने एक वीडियो इसके पहले भी अपलोड की थी, जो कि कौन सा था, कल मैंने अपलोड की थी, इसके पहले वाला वीडियो था, वो मैंने अपलोड किया था, वो मेरा 12 घंटे में अपलोड हुआ, वो पिज्जा वाला मैंने किया था। तो पिज्जा वाला वीडियो मेरा जो है 12 घंटे बाद अपलोड हुआ, नेटवर्क यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही है, और ऐसे बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है, काफ़ी 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, पूरा दिन रात मतलब धूप का तो नाम ही नहीं है, समझ लीजिए धूप नहीं हो रही है, 4 दिन से धूप नहीं हुई है। और वीडियो बनाने में मतलब 4-5 घंटे मतलब अपलोड होने में लगा 5 घंटा, उसके बाद जब मेरा वीडियो अपलोड हो गया उसके बाद YT ने वो वीडियो मेरा डिलीट कर दिया, और डिलीट करने के बाद मेरे ईमेल पे उसने मैसेज भी आया, और मतलब यही अच्छा यूट्यूब वाले यही अच्छा किए कि मेरा चैनल डिलीट नहीं किए। ऐसे एक लोगों ने और जो है यूट्यूब पे किया था, वो अपने बच्चे के साथ वीडियो बनाई थी, तो उनका चैनल जो है YT ने डिलीट कर दिया। तो 18 साल से छोटे बच्चों की वीडियो ना बनाए आप लोग, वरना हो सकता है, क्योंकि चैनल जिसका मोनेटाइज हो गया है उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जिसका नहीं हुआ है मोनेटाइज वो उसके लिए मान लीजिए अभी नहीं दिक्कत हो रही है, हो सकता आगे चल के चैनल मोनेटाइज हो जाए उसके बाद आपको दिक्कत हो। तो इस वजह से प्लीज़ आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा, और छोटे बच्चे का वीडियो बिल्कुल मत बनाइएगा अगर चैनल आपका मोनेटाइज है, तो इस बात का आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि आज मुझे बाल बाल में बच गई, और ना मेरा चैनल डिलीट हो गया होता। मुझे अच्छा यही किया उसने कि जैसे ही मैंने वीडियो को अपलोड किया
YT ने तुरंत मतलब रिमूव कर दिया उस वीडियो को। जैसे मैंने देखा कि मतलब अपलोड हुआ या नहीं, तो वो वीडियो मेरा चैनल पे जाने से पहले ही डिलीट हो चुका था। उसके बाद मैंने मैसेज आया, YT स्टूडियो पे मैसेज आया, तो वो मैंने चेक किया, उस पर वहाँ मतलब सारे डिटेल थी, मतलब जैसे मतलब 18 साल के बच्चों का वीडियो नहीं बनाना है। तो मैं आज बहुत बाल बाल बच गई, भगवान मुझे बचा लिए मेरा चैनल डिलीट होने से, वरना आज मेरा चैनल डिलीट हो गया होता तो आज के बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। कृपया आप लोग भी ऐसी गलती मत करिएगा, छोटे बच्चे का वीडियो आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पे मत डालिएगा, वरना हो सकता है आपका चैनल डिलीट हो जाए। MS किचन का भी चैनल एक था, वो उनका डिलीट कर दिया बच्चे की वजह से, क्योंकि उनका खुद का वीडियो था, और खुद का वीडियो होने की वजह से भी उसने मतलब बच्चों की वजह से वो चैनल डिलीट कर दिया। तो आप लोग भी ऐसी गलती मत करिएगा, बार बार आप लोगों से यही मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी आपसे सतर्क हो जाइए, ऐसी गलती आप लोग मत करिएगा। मैं तो कर चुकी थी लेकिन मैं बच गई बाल बाल, वरना मेरी सब मेहनत पानी में चली जाती। मैं इतने दिनों से मेरी मेहनत जो है 3-4 महीने में चैनल को मोनेटाइज करवाया और यहाँ से थोड़ा यहाँ तक पहुँच गई मैं, और अच्छा यही हुआ कि हमारा चैनल बच गया। और आप लोग भी अपने चैनल को अगर बचाना चाहते हैं तो प्लीज़ बच्चों का वीडियो यूट्यूब पे मत डालिएगा। बस मैं यही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी, सो मैंने ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बिना लाइक किए चैनल से मत जाइएगा, एक लाइक ज़रूर करिएगा चैनल पे वीडियो पे, और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और फिर मिलेंगे अगले आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।